स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हैं और उसमें डिफरेंट इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो वो उसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इवेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो किसी भी इवेंट की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ही कहेंगे और उसको PE कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। और वो क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, वो ऊपर आएगा और नीचे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको और बहुत सिंपल है ये। तो एग्जांपल नंबर वन करते हैं, तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक टायर कंपनी है विच केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। मतलब वो ये रिकॉर्ड रखती है कि एक टायर को रिप्लेस होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ख़राब हुआ है और उसको रिप्लेस करना पड़ा है। ये रिकॉर्ड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखती है और उसको टेबल में शो किया गया है। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड रखा है उसने कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी कि लेस देन 4000 से किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस कवर करने के बाद कितने टायर्स को रिप्लेस किया गया, वो 20 है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने, तो और 4000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक कवर करने के बाद कितने टायर्स को रिप्लेस करना पड़ा, वो 200 हैं। इसी तरीके से 9001 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर कितने टायर्स को रिप्लेस करना पड़ा, वो 325 हैं। और 14000 से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने के बाद 445 टायर्स को रिप्लेस करना पड़ा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब अगर हम इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अगर आपने एक टायर खरीदा इस कंपनी का तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि 4000 से कम, तो 4000 से कम कितने हैं, 20 हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 20 upon 1000। ये जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें तो 1/5, या फिर डेसिमल में करें तो नीचे चार जीरोज़ हैं, पीछे से आप चार डिजिट्स गिनकर अगर आप ज़ीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा 20 upon 1000 है, तो एक ज़ीरो कट गया। तो आप पीछे से डिजिट्स गिनकर लगाएंगे तो 0.02 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि एक टायर, वो जो टायर है अगर 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस करना पड़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 0.02। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 9000 से ज़्यादा चल जाएगा, तो 9000 से ज़्यादा का मतलब हो गया 9001 से लेके मोर देन 14000 सारे कवर हो जाएंगे, यानी 325 + 445। आप इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 770 आएगा। और टोटल कितने केसेस हैं, 1000 हैं, तो 770 upon 1000, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 77 upon 100, या फिर 0.77। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 and 14000। तो 4000 और 14000 के बीच में अब आता है 210 और 325। अब किसको ऐड करना पड़ेगा, 210 + 325 को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये वाला है तो 535 आया, और 535 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5355 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पर। द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। मतलब उसने जो 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज में फोरकास्ट किए, मतलब लगातार 250 डेज तक उसने जो फोरकास्ट किए उसमें से सही कितने दिन पाया गया, 175 टाइम्स सही पाया गया। तो फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट।
तो करेक्ट होने की प्रॉबिलिटी तो 175/250 ही हो जाएगी, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/10 आएगा, यानी 0.7. अब व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे, तो नॉट करेक्ट के लिए कितने दिन बचे, 250 में से 175 माइनस करेंगे, इतने दिन करेक्ट नहीं था, यानी कि इतने दिन तक ये करेक्ट नहीं था, तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी 75/250, यानी कि 3/10, यानी 0.3. अब आप देखिए कि अगर हम 0.7 और 0.3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 1. 0.7 प्लस 0.3 को आप ऐड करेंगे तो हमें इक्वल टू 1 मिलता है. तो अब आप आगे ये देखेंगे कि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं इनका सम 1 होता है, वो कैसे होगा वो आगे हम चेक करेंगे. तो फिलहाल आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई करिए.